कम तीन छः में एक फीकी। अच्छा तुम्हें कहता ना बड़ा परेशान करते। दर्शन देकर कृता करने मथुरा नहीं भाई कहला। क्यों? एक बार राजगृह देख लो तो संसार का कोई भी नगर न रुचे। हर किसी को अपनी जन्म नगरी प्रिय है, फिर उसकी तुलना किसी दूसरे देश से। प्रद्योत 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 नगर होता है नागरिकों से, और यादव तो नगरों में रहना ही नहीं जानते। असभ्य गंवार निपट मूर्ख है सारे। आइए महाराज। महाराज 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 भगत के महाराजा जयसिंह की सेनापति बहुत यादव राज के श्री चरणों में तुच्छ भेंट लेकर उपस्थित। अपनी है कंस। कंस नहीं, महाराजा धीराज श्री कंस कहिए। महाराजा धीराज कंस की जय। महाराजा धीराज कंस की जय। महाराजा धीराज कंस की जय। तुम्हारे सभी अंगरक्षक मगध सैनिकों से पराजित होकर मौत के घाट उतर। और जो बुद्धिमान वो इस समय सुनहरी मोहरे के अंदर है। महाराज जरा कंद दौरा दीजिए। वसुदेव बंदी होकर कारागार में है, और साथ में उनकी नवविवाहिता वधु देवकी भी है। कंस देवकी पिता महाराज मैं आपसे एक बात पूछना, क्या स्त्री होना अपमान की बात है?
अगर स्त्री इस धरा में नहीं होती तो आप इस धरा में होते, मैं इस धरा में होता, ये आम जनमानस इस धरा में होता। हाँ हाँ पिता महाराज, मैं स्त्री हूँ। तो पिता महाराज ये स्त्री क्ले नतमस्तक को अपने जीवन की रक्षा के लिए क्षमा याचना, उसी वाणी से जिससे इन्होंने हमारा उपहास। ले जाइए। अरे महाराज, ये क्या किया पिता महाराज, कब से हम इस क्षण की प्रतीक्षा में थे। कितनी ही बार कल्पनाओं में क्षण को भोग कर हम आनंदित हो चुके हैं, कितनी ही निद्राहीन रातों में प्रतिहिंसा के याद में गए हैं। तब हम कितने वर्ष के थे, शायद 10 वर्ष, शायद नहीं नहीं पक्का। हमारे पिता उग्रसेन अपने साथ घोड़ों पर हमें वन में ले गए, याद है आपको। अरे कैसे नहीं याद रहेगा, वही बीच जंगल में सरोवर के किनारे वो उड़ती हुआ चिड़िया और मछलियों को अपने बाड़ों से भेजते रहे। सूर्यास्त के साथ जंगल में अंधेरा घिरने लगा। पिता महाराज बहुत प्रसन्न थे, मदिरा के धोती प्याले गले से उतार कर वो हमारे पास आए। पुत्र कंस। आ गया पिता महाराज। तुम राजमहल के लिए आ सकते हो। हाँ। मार जाओ तुम। इधर चला ना मार, इधर मत बैठ के आता है, इधर ही से तो हम आए थे। शाबाश, तो हम जा रहे हैं और तुम अकेले आ जाना, ठीक है। अकेले? हाँ। क्या हुआ, डर लगेगा? मैं पिता महाराज। शाबाश, भोज कुल की यादव जन्मजात वीर होते हैं, ठीक है तुम अकेले आ जाना, ठीक है। शक्तिशाली यादव राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। आज यादव संकट में है, आपकी सीमा सुरक्षित नहीं है। आपकी सुरक्षा के लिए मगध सैनिक मथुरा में आए, यादव सुरक्षा के लिए मगध सैनिक मर मिटेंगे। महाराज कंस यादव शौर्य और कीर्ति की पताका हिमालय से कन्याकुमारी तक फहराएंगे। यादव शौर्य की जय हो। महाराज कंस सीमा पर आक्रमण के लिए एकत्रित कुरु सेनाओं का विनाश करेंगे। महाराज कंस की जय हो। जो विपत्ति में सहायता दे वही हमारा मित्र है। जरासंध हमारे मित्र है। वासुदेव यादव विद्रोही। यादव शूरवीर कंस की जय। वासुदेव यादव महाराज श्री कंस की जय। वासुदेव यादव विद्रोही है। यादव शूरवीर महाराज श्री कंस की जय। वासुदेव यादव विद्रोही है। यादव शूरवीर महाराज श्री कंस की जय। यादव संकट में। सारे के सारे सैनिकों को चेतावनी दे दी जाए, जो भी विद्रोह करे जो भी उसे तत्काल समाप्त कर दिया जाए। किंतु इनका क्या, जो यहाँ पर सब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। आइए महाराज। महाराज की जय हो। महाराज यादव अत्यंत रुष्ट, उनकी सहानुभूति महाराजा उग्रसेन के साथ, वासुदेव और देवकी के साथ, उन्हें अपनी स्वाधीनता सबसे अधिक प्रिय है। महाराज उन्हें निरंकुश राजा सहन नहीं हो पा रहा। हजारों यादव राजमहल के बाहर जमा हुए, वे क्रोध से नारे लगा रहे हैं। जैसे कोहरे को सूर्य की किरण काटती है, वैसे ही मगध सैनिकों ने दुष्टों को छिन्न भिन्न कर दिया। शांति व्यवस्था पूर्ण है महाराज। महाराज की जय हो। यादव के आचार्यों ने दो मगध सैनिकों की हत्या कर दी। मगध सैनिकों ने प्रतिशोध में 20 नागरिकों को काल के गाल में भेज दिया। शांति व्यवस्था पूर्ण है महाराज। महाराज की जय हो। यादवों ने सैनिकों के शिविर में आग लगा दी और उनकी सामग्री लूट ली। लूटी गई सारी सामग्री प्राप्त कर ली गई है महाराज। विद्रोही नगर चौक पर फांसी पर लटके हैं। शांति व्यवस्था पूर्ण है महाराज। शांति व्यवस्था पूर्ण है। शांति व्यवस्था पूर्ण है महाराज। ये काशीग्राम वासी यादवों ने राजस्व देना अस्वीकार कर दिया। कसीग्राम और वहाँ के नागरिक दोनों का सर फोल्ड करूँगा। तुम कहाँ ले रहे हो, कहाँ में भैया? चलो ठीक जी। आपका शुभ नाम क्या है? शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, आप जो आज ये गन्ना संस्थान में आप ये
नाटक का कर नाटक कर रहे हैं, इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे, कैसा है और क्या आप इसमें आपको दिखा रहे हैं पब्लिक को? एक्चुअली पिक्सल फिल्म्स बैनर है जो कि लखनऊ के कलाकारों को एक मंच देता है, जिन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखानी है उनके सारे लोग ये मंच है। कंस एक ऐसा है जो बैड पेरेंटिंग टू गुड पेरेंटिंग का एक जीता जागता उदाहरण है। आजकल की जो राजनीति चल रही है, किस तरह आदमी अपने को भगवान समझता है, उसको रिलेट किया गया है कंस को एक पात्र मान के। इस तरह से जनता को संदेश भी दिया गया है, उसमें बहुत सारे नाटक में के अंदर नाटक होते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसको दर्शाया गया है और आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और हम अच्छे अच्छे विषयों को लेते रहेंगे। पिक्सल फिल्म्स के बैनर के नीचे अच्छे कलाकारों को मुंबई का नाम ना लेके मैं लखनऊ का नाम लेके मुंबई तक जाना चाहता हूँ। कितने कलाकार हैं? 40 कलाकार हैं करीब। नए कलाकार हैं पुराने? नए कलाकार सारे हैं। तो उसमें आप किसी का एक प्ले है, किसी का दो प्ले है। वर्कशॉप पे आप कर रहे हैं कि? वर्कशॉप नहीं, प्ले है, कमर्शियल प्ले है, मैं इसका प्रोड्यूसर हूँ, मेरी कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है। जैसे लखनऊ में बताइए कि बहुत सारे प्ले होते हैं, बहुत सारी संस्थाएँ प्ले कराती हैं और ये भी सुनने को मिलता है कि कलाकारों को पेमेंट नहीं करती। जी ऐसा मैंने भी सुना है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बाकायदा पेमेंट एडवांस में होता है और चेक के थ्रू होता है और हम सारी फाइनेंशियल बर्डन हम देते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले आपने कितना प्रोडक्शन किया है? एक प्ले मेरा हुआ है 16 अगस्त 2018 को, सेम प्ले था और बाकी मेरे गाना भी आ रहा है, एल्बम आ रहा है इसके अलावा भी, जो कि जल्द ही आ जाएगा मार्केट में, क्योंकि कुसुम वर्मा हमारी मेन गायिका है और मैं शूट कर चुका हूँ उसे मुंबई जाके, अब रिलीज होने वाला है। डुएट है? डुएट सिंगल? नहीं, सिंगल।